हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे करेंगे बॉडी पॉलिशिंग। हाथ पैर में अगर बॉडी पे कहीं कालापन हो गया है तो कैसे उसे ठीक करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, देखा ग्लैम मेकओवर इज माय इंस्टा आईडी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनकी बॉडी पे कितना ज़्यादा टैनिंग कालापन हो गया है। तो कैसे इसे दूर करेंगे। जिनकी शादी होने वाली है, दुल्हन है, ब्राइड टू बी है, देखने आने वाले हैं, तो अगर वो आते हैं आपके पास बॉडी की कालापन को दूर करने के लिए, तो आप इसी तरह से करोगे। बहुत सारे और भी तरीके हैं जिनमें से मैं आपके साथ ये वाला तरीका शॉर्ट एंड स्वीट, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है बॉडी फेम ब्लीच, और ये बड़ा पैक है। मैं क्योंकि जनरली सब कुछ बड़ा ही यूज़ करती हूँ, पार्लर में हमें काफ़ी यूज़ करना पड़ता है इसको, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे फेम का ब्लीच लिया है। बॉडी ब्लीच हम इसे कहते हैं। और इतना मैंने आपको जितना करना है ना, पूरे बॉडी पे करना है, अकॉर्डिंगली आप निकाल लोगे क्रीम। तो यहाँ पे मैंने इतना निकाला है, मैं बॉडी पे करूँगी, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हाथ का दिखा रही हूँ कि कैसे हाथ पे आपको करना है। ये मैं पैर पे भी और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी भी पे भी आप कर सकते हो सेम इसी तरीके से। और इस पे हम मिलाएंगे एक्टिवेटर। यहाँ पे मैंने फेम का ही एक्टिवेटर लिया है। और आपको एक्टिवेटर जब आप बॉडी पे करते हो ना, तो इसका मात्रा आप ज़्यादा करोगे। जैसे कि फेस पे हम करते हैं तो हम कम लेते हैं एक्टिवेटर, और एक चौथाई लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप बॉडी पे करते हो, बॉडी पे जो कालापन होता है ना, वो ज़िद्दी होता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, तो उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेटर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो इतना मैंने यूज़ किया है, और आप एक्टिवेटर जब भी मिला के रखोगे ना, तो वो फूल जाएगा। तो ब्लीच की क्वांटिटी भी आप ध्यान रखोगी, जैसे जैसे आप करते जाओगे, प्रैक्टिस होगी आपको, तो आपको समझ में आएगा कि जितना आपने निकाला वो डबल हो जाता है। तो इतना मैंने यूज़ निकाला है, और अब मैं इसमें मिक्स करूँगी डेवलपर। डेवलपर जो मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, ये है 20 वॉल्यूम। घबराइए नहीं फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा कालापन है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर इस तरह से कीजिएगा, आप देखिएगा कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। तो इस तरह से आपको करना है। और आप इसमें ना थोड़ा सा जो हम लोग बेकिंग सोडा वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब भी यूज़ कर सकते हैं। वो सब मतलब ऑप्शनल है, आप यूज़ करें या ना करें। पार्लर में हम लोग इस तरह से बनाते हैं, और बहुत सारी इसमें चीज़ें डाली जाती है। जब बहुत ज़्यादा मतलब टैनिंग होता है, पूरे बॉडी पे करते हैं, राइट्स को करना होता है, तो वो अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं, जिसमें से मैं आपको एक ये वाला तरीका बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वाला, और 100% इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, डालना है आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और फिर मैं थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल डाल रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं थोड़ा सा इसको ना, हमने डेवलपर डाला है तो थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा डालिए। और उसके बाद सभी को आप मिक्स करके रख दीजिए। आप देख रहे हैं ना, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो इसी तरह से आप बनाएंगे ये, मतलब आपको होना चाहिए, एक दो बार बना लोगे ना, ये चीज़ आप घर पे भी कर सकते हो सेम। अगर आप घर पे कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई करना, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद आपको करना है पैच टेस्ट। बॉडी पे कर रहे हैं या फिर फेस पे कर रहे हैं, हमेशा पैच टेस्ट कर लीजिए, कुछ देर छोड़ के देखिए, उसके बाद ही आप स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अब उनका हैंड्स को अच्छे से क्लीन कर लिया, बहुत अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है पहले, उसके बाद हम इस चीज़ की जो हमने बनाई है ना क्रीम, उसकी एप्लीकेशन कर लेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि पहले आप यहाँ पे आप क्लिनजिंग भी कर सकते हैं प्रॉपर स्टेप के साथ, आप क्लिनजिंग, अब फिर हम ब्लीच के साथ, फिर स्क्रब मसाज के साथ, फिर आप पैक दे सकते हैं। वो भी स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किया है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप वैक्स करवाना चाहे आपकी क्लाइंट, तो आप वैक्स करने के बाद भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इनको वैक्स नहीं करवाना था अभी, इनको बस इस तरह से पॉलिशिंग करवाना था। और चार्जेस वगैरह के अकॉर्डिंग भी आप अपने काम करो, क्योंकि जितना आपको चार्ज क्लाइंट पे करती है, उसी अकॉर्डिंग आप काम करते हो। तो इस तरह से आप अगर कर रहे हो वैक्स, कर लेना, करवा देना अपने क्लाइंट को, लेकिन इनको नहीं करना था वैक्स, तो मैंने वैक्स स्किप कर दिया, बस इसी पे मैंने किया, और वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप लास्ट में देखना। तो इस तरह से ना, पहले आप अच्छे से क्लीन करने के बाद, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं क्रीम की, और मोटा मोटा अच्छा से आपको लेयर्स देना है पूरे हाथों पे, ऊपर नीचे हर जगह। इसी तरह से आप कर सकते हैं, अगर आपको पैर पे करना है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे, अच्छे से आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वाला आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा।
जैसे मैं अभी ब्लीच के साथ कर रही हूँ, आप सेम स्टेप कर सकते हैं डीटैन के साथ भी। अगर किन्हीं को ब्लीच के साथ नहीं करवाना तो आप डीटैन उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। बॉडी के लिए डीटैन भी आता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप उन्हें सेम प्रोसेस के साथ आप उन्हें इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए, बहुत अच्छा से आपको थिक लेयर लगाना है, पतला पतला लेयर आपको यहाँ पर नहीं चलेगा। और जहाँ पर ज़्यादा टैनिंग है वहाँ भर भर के अच्छे से आप क्वान्टिटी में लगा दीजिए। ज़्यादातर आप देखिएगा कि कोहनी के पास, एल्बो के पास होती है, और आपके हाथों में भी बहुत ज़्यादा जहाँ नकल्स होती है ना, उस जगह पे बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है, तो वो सब जगह पे भी आपको अच्छे से क्वांटिटी में लगाना है ताकि जो भी कालापन है वो दूर हो जाए। और इस ब्लीच को ना आपको 15 मिनट तक अच्छे से छोड़ देना है। सिमिलरली हम नेक्स्ट हैंड में भी एप्लीकेशन कर देंगे क्रीम का, और फिर हम क्या करते हैं आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नए हो चैनल पे तो भी सब्सक्राइब करना वीडियो को, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बहुत सारे हैं मेरे चैनल पे जहाँ पे आप सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं कैसे पार्लर का कोर्स किया जाए, कौन कौन से टॉपिक होते हैं पार्लर में, स्ट्रेटनिंग कैसे करना है, हेयर कट कैसे करना है, मेकअप कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड किया है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो अगर घर बैठे फ्री में सीखना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है, और सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत कुछ जो भी मैं डालूंगी आप तक नोटिफिकेशन बहुत जल्दी सबसे पहले पहुंच जाएगा, और आप उस चीज़ को देख के सीख सकोगे कि कैसे करना है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इस तरह से आपको क्रीम लगाना है, और उसके बाद पूरे 15 मिनट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। आप थोड़ा ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं अगर ज़्यादा टैनिंग वगैरह हो तो। और एक बार जब पूरा आपका क्रीम लग जाता है ना, तो आप उस क्रीम को अच्छे से एक बार मिला दीजिए अपने फिंगर से राउंड राउंड करके दोनों हाथों पे। आप देखेंगे इस तरह से जैसे मैं दिखाऊंगी वैसे आपको अच्छे से मिला देना है, और ताकि वो थोड़ा सा ना एक्टिवेट हो जाता है। जब आप ब्लीच वगैरह जब फेस पे भी करते हो तो आप एक बार उसे रोटेट करते हो अपने फिंगर्स को, डिटैन भी करते हो तो भी एक बार क्रीम को अच्छे से मिला देते हो ताकि वो एक्टिवेट हो जाए इस तरह से, और अच्छा वर्क करे जल्दी। तो इस तरह से आपको मिला देना है पूरे फेस, मतलब सॉरी गाइस, पूरे हैंड्स पे जहाँ पे भी आप कर रहे हो उस पूरे बॉडी पार्ट्स पे इस तरह से मिलाइए अच्छे से। दोनों हाथ में अच्छे से मिला देने के बाद आप इसे हम छोड़ेंगे 15 मिनट तक। बीच में आपको एक बार अच्छे से स्टीम देना है, पूरे 5 मिनट तक आपको स्टीम देना है दोनों हाथों पे, जहाँ पे भी आपने क्रीम लगाया है ना बॉडी पे, जहाँ पे भी आप पॉलिशिंग कर रहे हो तो उस जगह पे आपको अच्छे से स्टीम दे देना है इस तरह से, और स्टीम देना है। बहुत नज़दीक नहीं करेंगे, मतलब उनको भाप लग जाएगी, नहीं तो वहाँ पे क्या होगा ना, रैसेज हो जाएगा। थोड़ा सा स्टीम को हमेशा थोड़ा सा दूर रखें बॉडी से, और ताकि उनको स्टीम अच्छे से लग भी जाए। तो इस तरह से मैंने फेस का भी कर दिया था सब कुछ, और उसके बाद मैं स्टीम दे रही हूँ अच्छे से। आपको 5 मिनट तक स्टीम दे देना है यहाँ पर, अगर ज़्यादा ज़िद्दी है तो आप यहाँ पर कुछ समय स्टीम का बढ़ा भी सकते हैं ज़्यादा कालापन है तो। तो इस तरह से मैं स्टीम दे रही हूँ, और आप देखिएगा कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। इस तरह से आप घर पे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्लीच वगैरह है अवेलेबल, सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है घर पे, तो आप इसे बेशक घर पे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दुल्हन है अगर तो इस तरह से आप ज़रूर करें। और फिर उसके बाद ना आपको लेना है थोड़ा सा स्क्रब, स्क्रब लेने के साथ आपको पानी के साथ थोड़ा थोड़ा इस तरह से मसाज करना है दोनों हाथ पे। 5-5 मिनट आप करेंगे स्क्रबिंग करेंगे दोनों हाथों पे, जिससे आपने जो भी ब्लीच लगाया, ब्लीच को पोछा नहीं है मैंने अभी फ्रेंड्स, बस उसी के ऊपर मैंने स्क्रबिंग स्टार्ट कर दिया है। अगर आप ऐसे करोगे ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, आप देखना। ब्लीच को आप हटा के भी आप कर सकते हो स्क्रब, लेकिन मैं जनरली अगर डिटैन करती हूँ बॉडी पर, मैं बात कर रही हूँ फेस का नहीं, बॉडी पर जब करती हूँ तो मैं ब्लीच के साथ ही स्क्रब दे देती हूँ, उससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप फेस करोगे तो फेस पे तो हम हटाएंगे, उसके बाद ही आप स्क्रब वगैरह कुछ भी करो, चाहे क्लीन अप करो, फेशियल करो, कुछ भी। लेकिन जब बॉडी पे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको बीच में रिमूव नहीं करती, आप चाहे तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद आप स्क्रब कर सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं और पैक भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ब्लीच पे ही स्क्रब लेके अच्छे से 5 मिनट तक आप दोनों हाथ पे 5-5 मिनट अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे। और सारे स्टेप्स जो भी दिन बता रही हूँ मैं, दिखा रही हूँ मैं, वही सारे स्टेप्स आपको करना है जब आप स्क्रबिंग करते हो। तो इस तरह से स्क्रबिंग होती है, और दोनों हाथों पे सेम टेक्निक से हम स्क्रबिंग कर देंगे ताकि इनका जो भी टैनिंग वगैरह है, कालापन है,
अच्छे से निकल जाए। और देखिए हाथ पे तो आपको ज़्यादा अच्छे से करना है, ज़्यादा प्रेशर के साथ करना है, एल्बो पे करना है जहाँ पे ज़्यादा टैनिंग है ना, कालापन वहाँ ज़्यादा करे। ये आप घर पे भी कर सकते हैं, खुद ही कर सक खुद तो नहीं होगा, किसी और को भी बोल सकते हैं इस तरह से करने को, और आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लोग बोलते हैं कितना दिन चलेगा, तो कितना दिन चलेगा ये तो आप जितना दिन धूप में नहीं जाओगे उतना दिन आपका मतलब टैनिंग वगैरह कालापन तो धूप से ज़्यादातर होता है फ्रेंड्स। तो आपको जितना आप बच के रहोगे उतना आपका ये बॉडी पे जो पॉलिशिंग आपने करवाई है वो ज़्यादा समय तक स्टे करेगा। तो इस तरह से दोनों हाथ पे करने के बाद हम इसे करेंगे क्लीन, और अच्छे से क्लीन कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे मसाज पैक वगैरह भी कर सकते हैं, वो आपकी क्लाइंट की चॉइस है उन्हें क्या क्या करवाना है, और नहीं तो आप बस इतना भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और इसे हम क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद हम मॉइस्चराइज़र वगैरह हैंड्स पे लगा देंगे, और फिर ये देखिए उनका रिज़ल्ट। मैंने बस वॉश किया है और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया है, और देखिएगा आप टैनिंग कितना हद तक दूर हो गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, घर पे अगर कर रहे हैं, पार्लर में अगर कर रहे हैं, नया है तो नया मतलब आप वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे हैंड पॉलिशिंग करना है, वो भी बहुत ही आसानी से, तो आप ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओगे इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और वो भी सीखे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़।